रवि है एक दर्शक हमारे साथ। रवि जी सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते। नमस्ते रवि जी। जी मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मैंने अपनी माता जी को वैक्सीन लगवाई थी अब से 20-25 रोज पहले। तो उनको जो है उस दिन के बाद में, एक तो वो खाना नहीं खा रही है और वो शरीर उनसे बहुत कमजोरी मान रहा है। मैंने डॉक्टर से दवाई भी दिलाई, अब क्या करा जाए साहब? कौन पहली डोज है ये? हाँ जी पहली डोज ली है, दूसरी डोज 25 मई को लेंगे। ठीक है डॉक्टर विकास, इनके लिए क्या सलाह होगी? जी वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही हैं क्या? नहीं आधी रोटी खाती हैं, पहले 2-3 रोटी खाती थी, एक दिन में अब एक रोटी खा रही हैं, चाय पानी भी थोड़ा कम ही ले रही हैं। 72 साल की है जी। जी देखिए अभी वो अगर सॉलिड फूड नहीं खा रही हैं तो आप उनको थोड़ा लिक्विड डाइट या सेमी सॉलिड डाइट दीजिए। खाना देना जरूरी है और उन्हें जो कमजोरी फील हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा सप्लीमेंट मल्टी विटामिन्स दीजिए, रोज वो दीजिए जब तक वो नॉर्मल डाइट पर नहीं आती हैं। ठीक है। देखिए वैक्सीन से जुड़ा ये भी सवाल था पवन जी, आप वैक्सीन पर जवाब दे रहे थे, अब इन्होंने इसको वैक्सीन से जोड़ दिया। अब ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट बता पाएगा कि ये वैक्सीन की वजह से है या नहीं, लेकिन क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद हुआ तो लोगों के मन में तुरंत आ जाता है कि देखो वैक्सीन लगवाई और ये हो गया। ये बहुत सारे लोगों के मन में है। यहाँ की मैंने एक ऐसा भी केस सुना कि वैक्सीन लगवाए घर आ रहे थे वो और उसमें ठोकर लगी, वो गिर गए तो उसका दोष वैक्सीन के मथे मर दिया गया, जबकि वो ठोकर लगी किसी ईंट से या किसी और चीज से। तो बहुत सारे लोगों में प्रारंभ में तो बहुत ही ज्यादा समस्या थी, अब धीरे धीरे तो समझ में आने लगा है कि वैक्सीन से बहुत लाभ होगा। वैक्सीन देखिए कितनी परेशानियों से गुजरी, उसके साथ साथ धार्मिक गुंडों ने भी वैक्सीन को पकड़ा, बिल्कुल वैक्सीन हमें चाहिए, वैक्सीन से बिल्कुल बिल्कुल, जबकि पूरी दुनिया में एक चीज कॉमन है वैक्सीन के बारे में, वो ये है कि अगर वैक्सीन मान लीजिए 100% इलाज नहीं है तो एटलीस्ट ये 100%। और अब लोगों को समझ में आ रहा है सर, जिन लोगों ने पहले वैक्सीन नहीं लगाई अब वो लाइन लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पहले थी अब उपलब्धता कम है तो लौटना भी पड़ रहा है। राजेंद्र से हम, राजस्थान से विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी सवाल पूछिए। हाँ जी, ये मैडम के ये लंग्स में जो वाल हुआ है इनकी दवाई ले रही है सर, ये कोरोना का इंजेक्शन लगवाए नहीं लगवाए इसके? ठीक है डॉक्टर अमृता, इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? एक बार सवाल दोबारा बोलेंगे। ये वाल्व की दवा ले रही हैं लंग्स की, इनके घर में कोई इनकी फैमिली मेंबर, वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? नहीं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं बिल्कुल, बस अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरा लें और बाकी जो लंग्स में आप बकायदा स्टीम लें, बकायदा आप अपना इनहेलेशन प्रॉपर रखें। डॉक्टर देवांशी आपके तरफ से क्या सलाह होगी? जी वो हंड्रेड परसेंट वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन एक आवश्यक चीज है और वैक्सीन लेने उनके लिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी वीक है, तो यदि उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वैक्सीन हेल्प करेगा उनको फाइट करने के लिए और जल्दी रिकवरी लाएगा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।